हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक सैमसंग का न्यू मॉडल जो कि 2024 में लॉन्च किया गया है, और बहुत सारे फ्रेंड्स का जो है कमेंट था जो सबसे लोएस्ट प्राइस में सैमसंग का 5-स्टार रेफ्रिजरेटर के बारे में बताएं, तो इसीलिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। और ये बिल्कुल 2023 में लॉन्च किया गया है जनवरी में, और ये 5-स्टार रेटेड है और सबसे कम प्राइज में इसे लॉन्च किया गया है सैमसंग तरफ से, वो भी स्टैंड और विथआउट स्टैंड दोनों मॉडल आपको इसमें उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप एक चीप एंड बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो 2-4 मिनट का है, आप देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचे, मार्केट में जाए तो अपने लिए आप सही प्रोडक्ट ही परचेस कर सके, अपना हार्ड एंड मनी जो है बिल्कुल सही प्रोडक्ट पर ही इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें क्या फीचर्स है, क्या बिजली कंजम्पशन है, कितना लीटर है और कितना माप परचेस कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो भी बताएंगे। तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहें, और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए, यही जो सैमसंग का जो ये मॉडल है 2024 में लॉन्च किया गया है, ऐसा ही मॉडल आपको 2023 में भी लॉन्च किया गया था जो कि 3-स्टार रेटेड था, और ये आपको 5-स्टार रेटेड लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, सेम टू सेम वैसा ही रेफ्रिजरेटर है जैसा 3-स्टार इसका रेफ्रिजरेटर आता है, और अभी भी आपको प्रेजेंट टाइम में भी आपका उपलब्ध हो जाएगा 3-स्टार और 5-स्टार दोनों में, ठीक है। लेकिन आप 2023 में लेते तो आपको 5-स्टार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन 2025-24 में आपको ये 5-स्टार में उपलब्ध होगा। अब ऐसा सैमसंग ने क्यों किया वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पर जो है आप लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, ये आपका जो है बार हैंडल डिजाइनिंग के साथ आता है, और इसमें जो है लॉक जो दिया गया है, यहाँ पे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे सैमसंग का लोगो मिलता है, और आगे से जो है आपको फ्रंट में फ्लावर डिजाइनिंग के साथ आता है ये रेफ्रिजरेटर। आपको हम बताए हैं, नंबर वन आप ये ध्यान रखिए कि स्टार रेटिंग क्या है, इसका बिजली कंजम्पशन क्या है। फ्रिज का जो प्राइस होता है रेफ्रिजरेटर का, वो स्टार रेटिंग पर ही तय किया जाता है। तो सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो माना जाता है 5-स्टार रेटेड, और अगर मीडियम आप लेना चाहते हैं तो 3-स्टार रेफ्रिजरेटर आपको लेना चाहिए, ठीक है। 1-स्टार से लेके 5-स्टार तक मार्केट में आपको रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार रेटिंग होता क्या है सो हम आपको बताते हैं। 5-स्टार रेटेड जैसे हुआ तो ये देखिए, एनर्जी कंजम्पशन इसे 1 साल कंटिन्यू चलाएगा, यूनिट्स पर ईयर 130 यूनिट आपका जो है कंजम्पशन करेगा, 1 साल कंटिन्यू चलाएगा। तो यही आपका अगर 3-स्टार रहता तो 160 से 168 यूनिट बिजली जो है खपत करता, 20 से 30 यूनिट का अंतर रहता है आपका, ठीक है। तो कोई खास अंतर नहीं होगा, लेकिन 5-स्टार रेटेड सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर माना जाता है। देखिए, इसका लेवल पीरियड जो है 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2024, ठीक है। अप्लायंस रेफ्रिजरेटर ब्रांड देखिए सैमसंग का, मॉडल देख लीजिए। आप मार्केट में जाइएगा तो एक ही जैसा बहुत सारा आपको रेफ्रिजरेटर दिखा दिया जाएगा, तो आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका मॉडल देखिए, RR20D2825CU 2024 में से लॉन्च किया गया है। टाइप डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होता है। देखिए, इसमें जो बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ जम जाता है अंदर में, आपका कोई भी सामान रखिएगा या बर्फ़ बनाना हो तो बर्फ़ उसमें भी, या प्लस इसका जो फ्रीजर चैम्बर होता है उसमें भी बर्फ़ जमता है, इसीलिए डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। डबल डोर फ्रीज लीजिएगा तो वो फॉरेस्ट फ्री आता है, वो क्या होता है वो भी बताएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। टोटल वैल्यूम 183 लीटर्स, 183 लीटर इसका जो है स्टोरेज आपको वैल्यूम मिलता है। देखिए, ओल्ड फ्रीज रेफ्रिजरेटर आप लेते तो उसमें एक ग्रॉस वैल्यूम दिया जाता था, एक स्टोरेज नेट वैल्यूम दिया जाता था, लेकिन अभी जो नया में जितना भी रेफ्रिजरेटर आ रहा है उसमें नेट कैपेसिटी जो होगा रेफ्रिजरेटर का वही दिया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल आपको 183 लीटर तक आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। 20 ईयर वारंटी ऑन डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। आप देखिए, इसमें कंप्रेसर टाइप जो है इन्वर्टर कंप्रेसर है, एक होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर। तो इसमें जो सैमसंग यूज किया गया है, खुद अपना बनाया हुआ कंप्रेसर, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि बहुत ही कम बिजली खपत करता है, मात्र 40 वाट पर आपका ये ऑपरेट होगा। अगर इसे आप इन्वर्टर पर चलाइएगा तो मात्र 40 वाट पर आपका ऑपरेट होगा, जितना 2 CFL बल्ब होता है उतना ही पर आपका ये कंप्रेसर जो है वर्किंग करने लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको बिजली खपत बहुत ही कम करेगा। इसमें जो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, क्योंकि डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, और इसमें आपको अगर स्टेबलाइजर लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे 100 वोल्ट से लेके
300 वोल्ट तक। इसमें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो है पीसीबी दिया गया है जो कि कंट्रोल करेगा, तो आपको स्टेबलाइजर लगाना इसमें ज़रूरत नहीं है। अब वारंटी के बारे में बात करें तो सैमसंग काफ़ी तगड़ा वारंटी दे रहा है अन्य अदर ब्रांड के मुकाबले। इसमें 1 ईयर तो कंप्रहेंसिव वारंटी है, लेकिन आपका इसमें जो है कंप्रेसर का जो वारंटी मिलता है 20 ईयर डबल कर दिया गया है। इससे पहले रेफ्रिजरेटर लेते तो मात्र आपको 10 ईयर वारंटी मिलता था, लेकिन इस साल अगर आप रेफ्रिजरेटर परचेस कीजिएगा तो 20 ईयर 20 साल वारंटी आपको मिलता है, वो भी कंप्रेसर पर। सब कंप्रेहेंसिव वारंटी आपको मिलेगा जो कि होम सर्विस आपको मिलने वाला है। इसका इंटरनल भाग हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका पूरा फ्रिज का अंदर का लुक है। आपको जो है ऊपर फ्रीजर मिलता है, देखिए यहाँ पे ऊपर फ्रिज जोन आपको मिलता है। ऊपर में आपका जो है बर्फ़ जमाना है, आइसक्रीम बनाना है या आइस क्यूब बनाना है तो आप इसमें ऊपर में इस्तेमाल कीजिए, ऊपर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताए थे, ये डायरेक्ट कूलिंग है। इसमें जो है ना डायरेक्ट कूलिंग इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें जो कूलिंग करता है डायरेक्ट करता है, पहले ऊपर कूलिंग होता है उसके बाद वही कूलिंग जो है नीचे की ओर जाता है, जिससे आपका नीचे कम कूलिंग रहता है ऊपर अधिक कूलिंग रहता है। इसीलिए इसे हम जो है आइस चैम्बर भी बोल सकते हैं। ये सबसे अधिक इसी में आपका कूलिंग होगा, -degree Celsius में आपका आइस चैम्बर में कूलिंग होता है। अब देखिए इसमें आपका जो ये देख रहे होंगे ये कॉयल के जैसा जो है नली बना हुआ है। इसी में जो है गैस फ्लो करता है और बहुत ही प्रेशर में जो है गैस फ्लो करता है। तो अगर आप कभी भी इसमें कोई भी वस्तु रखें, जैसे मेटल का सामान आप इसमें बिल्कुल नहीं रखें, इसमें जो है सेप्टिक रीजन से आप हमेशा प्लास्टिक का यूज करें जिससे बेस्ट रहेगा। चाकू चम्मच का आप इसमें कभी भी इस्तेमाल न करें। अगर मान लीजिए इसमें आइसक्रीम बना रहे हैं या आइस क्यूब बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा ना, अधिक कूलिंग होने के कारण जो है बर्फ़ जम जाता है और इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाकू चम्मच का इस्तेमाल करते हैं और इसमें थोड़ा सा भी अगर लीकेज हो गया तो आपको जो है फिर से गैस फिलअप करवाना पड़ेगा, काफ़ी अधिक जो है खर्च आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए बस आपको यही करना है कि इसमें प्लास्टिक का बर्तन अधिक से अधिक यूज करें। और अगर इसमें बर्फ़ जम गया है, आपका जो भी आप इसमें दिए हुए हैं आइसक्रीम बनाने के लिए आइस क्यूब वो इसमें चिपका हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे देखिए ये डिफोर्स बटन होता है, ये डिफोर्स बटन को आपको इसको 3 सेकंड के लिए इसे दबा के पुश करना है, जिससे इसमें जितना भी बर्फ़ होगा वो आपका जो है पानी बन जाएगा। पानी बन के इस आपका ट्रे में आएगा और इस ट्रे से जो है आपका ये प्लास्टिक का ट्रे है, इससे जो है एक पीछे जो है टैंक लगा रहता है छोटा सा, उस टैंक में स्टोर हो जाएगा, जिससे आप आसानी से जो है खाली कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये टफन ग्लास है और टफन ग्लास काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। इस पर आप 100 केजी प्लस आप इस पर दे सकते हैं, ये आपका फूटेगा नहीं, ये नॉर्मल ग्लास नहीं होता है। और इसमें 2 सेल्स दिए गए हैं टफन ग्लास का और एक जो है नीचे में वेजिटेबल बॉक्स आपका है। इसमें आपका बिल्कुल 14 दिन तक सब्जी जो है आपका वेजिटेबल ताज़ा और फ्रेश रहने वाला है और काफ़ी अच्छा आपका जो है इसमें वेजिटेबल रहने वाला है। इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे वेजिटेबल को अधिक कूलिंग का ज़रूरत नहीं होता है, हमारे वेजिटेबल में जो है कम कूलिंग से ही काम हो जाएगा, इसीलिए आपको नीचे की ओर लगा रहता है। उसके नीचे आइएगा तो ये देखिए ड्रॉल स्टैंड है। ये ड्रॉल स्टैंड में जो है इसे हम आसानी से इसे बाहर निकाल सकते हैं, इसमें आलू प्याज स्टोर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा कि इसके अंदर भी कूलिंग होता है, ठीक है। ये नॉर्मल बस स्टैंड का काम करता है और ये काफ़ी खूबसूरत होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। घर पर जब जाइएगा तो इसे आप जो है इस फॉर्म से हटा सकते हैं। इस साइड देखिए, इस साइड आपका जो है एक देखिए आइस क्यूब मेकर आपको मिलता है, आइस मेकर इसमें दिया गया है, आइस मेकर मिलता है। यहाँ पे आपका जो है ये प्लास्टिक का है और काफ़ी बेहतरीन है, ये टूटेगा नहीं। इसे क्लीन करना चाहते हैं तो आसानी से इसे आप ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसे जो है बाहर निकाल के फिर से क्लीन कर सकते हैं। तो नॉर्मल है, इसे खोलना भी, अंडा उंडा रखना हो, पानी का बोतल रखना हो, बिग साइज 2 लीटर प्लस बोतल पानी का रखना हो, दूध रखना हो, जो भी आपको रखना हो अपने उपयोग के अनुसार जो है आप इसमें भी रख सकते हैं। टोटल स्टोरेज है 183 लीटर, लेकिन आपका जो है सिर्फ फ्रिज सुपर फ्रिज चैम्बर का जो है लीटर कैपेसिटी है 18 लीटर, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर का देखा जाए फ्रीजर का तो वो आपका है 165 लीटर। तो सुपर फ्रिज जोन का बस आपका जो है 18 लीटर इसका कैपेसिटी है, इसमें 18 लीटर तक आप जो है स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉब कंट्रोलर दिया गया है, मौसम के अनुसार कैसा सीजन है उस सीजन के अनुसार देखिए यहाँ पे 1 से लेके 6 तक इंडिकेट किया गया है। तो अपने उपयोग के अनुसार जो है जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार इसे जो है आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, जो
कि आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसे दर्शाया गया है कंट्रोलर, कूलिंग कंट्रोलर कैसे आपको करना है। कभी भी आप इसमें, हम आपको बता रहे हैं, मेटल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जिससे आपको भविष्य में जो है बिल्कुल भी इस पर अपना जो है हार्ड एंड मनी खर्च नहीं करना पड़े। कभी भी इसमें आप मेटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें फ्रीजर जोन में। उसके बाद आप कहीं भी मेटल का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्टिकर में आप यहाँ पर देख सकते हैं उनका, यहाँ पे भी मिलता है डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। मॉडल आपका दिया गया है, सीरियल दिया गया है, टोटल कैपेसिटी 183 लीटर, वन डोर, ये सिंगल डोर के साथ आता है, फ्रीजन कंप्रेसिव 1 स्टार, ठीक है। पावर कंजम्पशन 200 वोल्ट से आपका चलेगा। हम आपको बताए थे इसमें जो गैस दिया गया है R-600A गैस आपका इसमें यूज किया गया है, मात्र 39 ग्राम गैस इसमें जो है गैस का यूज किया गया है। रेटेड पावर इनपुट 60 वाट पर आपका ये ऑपरेट होगा, रेटेड करेंट 1 एम्पियर आपका ये लेगा। तो ये सारा जो है इस बार आपको दर्शा दिया गया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर जनवरी 2024 में से मैन्युफैक्चर किया गया है, तो सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप चलिए इसके पीछे का लुक हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि इसमें सैमसंग अलग क्या किया है। देख, ठीक है, ये देखिए, ये आपका मेटल का है और ये जो है पीछे से देखिए, इसमें जो कंडेंसर आता है वो आपको इसमें पैकेज मिलता है। देखिए नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर आता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं, उस समय देख रहे हैं वो तार वाला जो है बाहर निकला हुआ है, लेकिन इसमें पूरा आपको पैक मिलता है, जिससे जो है आपका फ्रीजर का जो है गैस लीकेज का खतरा बहुत ही कम हो जाता है और आपका जो फ्रिज जो है सुरक्षित रहता है और गैस लीकेज जितना कम हो उतना बेहतरीन लाइफ आपका रेफ्रिजरेटर का बना रहेगा और ये डस्ट उठ से भी आपका सुरक्षित रहेगा, इसलिए पूरा ये पैकेज आपको मिलता है। नीचे की तरफ से देखिए यहाँ पे ये कंप्रेसर है, ठीक है, इसे हम कंप्रेसर कहते हैं और इसमें जो कंप्रेसर यूज किया गया है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है इन्वर्टर कंप्रेसर, क्योंकि ये आपको जो है बिजली बहुत ही कम खपत करता है, प्लस वेरिएबल स्पीड पर आपका ये वर्क करता है, जिससे आपका जो है फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है मेंटेन करके रखता है, जितना डिग्री पर इसे आप सेटअप कर दीजिएगा उतना ही डिग्री कूलिंग जो है मेंटेन करके रखेगा और ये हमेशा 24 आवर्स जो है इसका कंप्रेसर वर्किंग कंडीशन में रहता है, जिससे कम बिजली आपका ये खपत करेगा। आपको हम बताएं मात्र 2 CFL बल्ब 60 वाट पर आपका ये ऑपरेट होगा, 40 वाट से 60 वाट पर आपका ये ऑपरेट होता है। यहाँ पे इसका पीसीबी बोर्ड है फ्रेंड्स, इसका सिर्फ 1 ईयर वारंटी मिलेगा और कंप्रेसर का 20 ईयर वारंटी मिलेगा। आप चलिए इसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका प्राइस क्या है वो भी बताते हैं, तो वीडियो पर आप लास्ट तक जरूर बने रहें, इसका प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्रोज एंड कॉन्स हम आपको बताते हैं। ये बिजली खपत इसलिए कम करता है क्योंकि ये डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि वेरिएबल स्पीड पर आपका जो है वर्क करता है, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस ये दे देने वाला है। इसका जो कंप्रेसर दिया गया है काफ़ी साइलेंट होता है, आपको जो है नॉइस जो है थोड़ा भी जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपको जो है नॉर्मल पुराना रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको साउंड आता था, लेकिन आपको इसमें साउंड बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, समझ लीजिए ना के बराबर आपको इसमें साउंड मिलेगा अगर ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है तो। लेकिन नंबर वन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा स्टार रेटिंग क्या है, आपको कितना लीटर कैपेसिटी का, कितना कैपेसिटी का आपको रेफ्रिजरेटर परचेस करना है। अब ये नहीं कि हमारा फैमिली मेम्बर में 4 से 5 मेम्बर है, हमने 400-300 लीटर परचेस कर लिया तो उसका आप उपयोग नहीं कर पाइएगा, तो अपने उपयोग के अनुसार ही रेफ्रिजरेटर आप मार्केट में जाकर परचेस कीजिए। अब स्टार रेटिंग के बारे में बात करें तो देखिए 5 स्टार रेफ्रिजरेटर सबसे बेस्ट माना जाता है, मीडियम आप लीजिएगा तो कम से कम 3 स्टार रेफ्रिजरेटर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। वैसे 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक आपको मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको रेफ्रिजरेटर देखने को मिल जाएगा। वैसे आप अपने नज़दीकी जो भी शॉप हो, जहाँ भी आपका घर हो, वहाँ पर जाके एक बार ट्राई जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी मार्केट में जाकर कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि आपको लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट है। बस आप ये देख लीजिए आपको कितना कैपेसिटी का ज़रूरत है और आपको क्या स्टार रेटिंग चाहिए। बिजली खपत कम करना चाहिए तो आप कम से कम 5 स्टार रेफ्रिजरेटर लीजिए, क्योंकि कोई खास रुपया अंतर नहीं होता है आपका, 1 से 2 हज़ार रुपया का अंतर रहेगा 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग में, ठीक है। तो आप 5 स्टार ही रेफ्रिजरेटर परचेस कीजिएगा। इसका कौन सा सबसे बड़ा हमको यही लगा कि इस रेफ्रिजरेटर को सैमसंग ने 2022 में जो लॉन्च किया था सेम टू सेम ऐसा ही था, बस वो 3 स्टार रेटेड था और इसे जो है सैमसंग 5 स्टार रेटेड कर दिया है। अब क्या चेंज किया है वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इसमें बस 5 स्टार रेटेड है, बिजली ये कम खपत करेगा।
ठीक है, इसी में अगर थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाइएगा तो सैमसंग का जो न्यू मॉडल है 5 स्टार वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इसे आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है 21,900 रुपया है, ठीक है, 21,900 रुपया, और ये डिस्काउंट करके 18,100 रुपया वहाँ पे से परचेस कर सकते हैं। ठीक, कितना, 18,100 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं, घर बैठे घर पे मंगवा सकते हैं, या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों आप परचेस कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे परचेस करते हैं। बेहतर यही रहेगा कि अपने ऑफलाइन मार्केट में जा परचेस करें, जिससे आप खुद से प्रोडक्ट देख सकें, महसूस कर सकें, उसके बाद परचेस करें, उसे वर्किंग कंडीशन में ला सकें, उसके बाद ही परचेस करें। क्योंकि फ्रेंड्स, गैस का वारंटी जो है रेफ्रिजरेटर का नहीं दिया जाता है, इसीलिए कूलिंग चेक करके ही आप रेफ्रिजरेटर परचेस करें। और इसे परचेस करने से पहले देखिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं एक बार इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ज़रूर जानकारी ले लें कि सैमसंग का आपके शहर में सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है। उपलब्ध है तो कितना टाइम में आपको सर्विस देता है, क्योंकि ये सब बिग प्रोडक्ट होता है, इसे आप आसानी से कैरी करके कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, तो इसीलिए इसका सर्विस होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ऑल ओवर इंडिया में आपको सैमसंग का सर्विस मिल जाएगा, लेकिन एक बार टोल फ्री नंबर पे कॉल करके ज़रूर जानकारी ले लें। अब फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम 24 आवर्स के अंदर दे देंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं 5 स्टार रेफ्रिजरेटर सैमसंग का न्यू मॉडल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।